तो फाइनली ये है मेरा पूरा जमाया हुआ पैसा। तो हेलो फैमिली, कैसे हो तुम सब लोग? तो तुम सबको हैरानी हो सकता है कि मैं आज का व्लॉग हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, हिंदी में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली द थिंग इज़, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भैया हिंदी में बोला कीजिए, हमें भी समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बंगाली छोड़ के आज का व्लॉग थोड़ा हिंदी में शूट करते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो आज का व्लॉग सबसे ज़्यादा मतलब मेरा फेवरेट व्लॉग है, क्योंकि आज धमाकेदार होने जा रहा है। सो आज है मेरा ड्रीम बाइक का डिलीवरी। वो कौन सा बाइक है आपने तो देख ही लिया थंबनेल पे। तो हाँ, मैं ले रहा हूँ आज रॉयल एनफील्ड मीटियोर सुपरनोवा। तो ये बहुत दिन से मेरा इच्छा था कि मैं खरीदूँ, तो फाइनली इट्स हैपनिंग। तो आज मैं खरीदने आ चुका हूँ बारासात में, और बारासात का जो कंट्री मोटर्स है हैलावटोला में, उसी ब्रांच में मैं आया हूँ। डिलीवरी का ब्लॉग होगा, फिर बाइक का स्पेसिफिकेशन का ब्लॉग होगा, बाकी बहुत कुछ होगा, दिखाया जाएगा इस चैनल पे। एक लाइक कर देना बस, क्योंकि एक लाइक मतलब एक मोटिवेशन होता है, आप लोगों को पता ही है। तो ठीक है, चलो बाइक लेते हैं, बाइक का डिलीवरी लेते हैं, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, फ्री है तो कुछ जाएगा नहीं आपका तो, लेकिन मेरा बहुत कुछ उससे फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक अपवर्ड्स कर देना। तो ठीक है, चलिए अंदर जाके आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, और देखो पूरा प्रोसेस क्या होता है डिलीवरी का पूरा प्रोसेस। ये वाला शोरूम का ये वाला ब्रांच ये यहाँ पर है बारासात, जब हैलावटोला मोड़, वहाँ पे वो स्टैचू दिख रहा है ना, वो हैलावटोला मोड़ वो है, वहाँ से लेफ्ट साइड लेके ही ये वाला शोरूम आता है। तो इंटीरियर में आते ही सबसे पहले यहाँ पे सुपर मीटियोर है एक, तो ये गाड़ी का अभी वेटिंग है 11 मंथ्स या 12 मंथ्स है। ये रॉयल एनफील्ड का सबसे मतलब फ्लैगशिप गाड़ी ये वाला है, इसका प्राइस लगभग 4.5-5 लाख हो जाता है ऑन रोड। इसका भी वेटिंग 1 साल है, तो 650 cc का इंजन है यहाँ पे, जो कॉन्टिनेंटल GT में लगता है वो सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा क्रूजर टाइप का है, क्योंकि इसका फूड पैक देखिए कि बहुत सामने की तरफ है। सबसे हार्ड फेस है ये वाला, 75 pages साइन करना, तो इसमें ही लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो ऑन इट ये करके मिलते हैं आपसे, चलो तब तक आप सिनेमैटिक शॉट देखो साइन करने में। फाइनली 75 pages का वो सिग्नेचर जो था वो कंप्लीट हो गया, अभी फिलहाल बैठ के चाय पी रहे हैं, एंड थैंक्स टू भैया अरिंदम दा, बाद में फिर मिलाएंगे अच्छे से। तो अभी फिलहाल गाड़ी तैयार हो रहा है, पीछे वहाँ पे क्लीनिंग एंड ऑल कर हो रहा है, एंड मेरा आधार वोटर और पैन कार्ड का जो सीन था वो सब हो गया फिलहाल, और नाउ एवरीथिंग इज गुड टू गो, नाउ वी विल गो एंड जस्ट चेक आउट द बाइक। गाइस एक बार ये कलर देखो, ये है रॉयल एनफील्ड का नया वाला लॉन्च मॉडल, तो ये सुपरनोवा के ठीक नीचे आता है, स्टेलर के ऊपर और सुपरनोवा के नीचे ये वाला मॉडल आता है। ये है एक नया लॉन्च कलर, और वहाँ पर है एक और लॉन्च कलर। तो फ्रैंकली बोलूँ तो ये ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे, लेकिन ये एज एन एक्सपेरिमेंट रॉयल एनफील्ड वाले ने लॉन्च किया, लेकिन सच बोलूँ तो ऐसा कलर ना पूरा मतलब मुझे पता नहीं ये कितना बिकेगा ये वाला कलर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन ये सब जो कलर्स है ये देखिए पूरा जचता है रॉयल एनफील्ड के साथ, लेकिन ये वाला जो कलर है ना पूरा ऑफ द ऑफ बीट लग रहा है, आई डोंट नो, मे बी कुछ लोगों का पर्सनल चॉइस होंगे ऐसा, तो वो लोग ही लेंगे, बाकी ये सब है। तो फाइनली ये है मेरा पूरा जमाया हुआ पैसा जो मैंने जमा के रखा था, तो मैं अभी दूंगा बाइक, ये देख के मुझे बाइक मिलेगा तो मैं ये पापा के हाथ से दिलवाता हूँ। तो गाइज अभी फ़िलहाल बाइक रेडी हो रहा है, तो मैं एक छोटा सा अपडेट देने के लिए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो उन्होंने इनका बहुत ही अच्छा एक जेस्चर लगा मुझे, कि उन्होंने मुझे एक ये वाला स्केल मॉडल जो है फ्री दिया बाइक के साथ। तो मैं जो बाइक ले रहा हूँ सुपरनोवा मीटियोर 350, तो उसका ही सेम रेप्लिका स्केल मॉडल उन्होंने मुझे दिया एज ए गिफ्ट जेस्चर, तो ये पूरा ही फ्री था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला जेस्चर बाई दिन, ये बहुत ही अच्छा है, नहीं एग्जैक्ट वो वाला बाइक है वो जो मैं ले रहा हूँ। सो फाइनली गाइज ये हमारे सामने जो बाइक मैं लेने जा रहा हूँ, तो कुछ ही टाइम में ये रिवील होगा, ठीक है चलिए अनरैप करके मिलते हैं इन 3-2।
1. Guys, finally, here is the bike. अब मैं इसको अनरैप करने जा रहा हूँ और इसको खोलने जा रहा हूँ. तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो बोलना कमेंट्स में. तो देखिए क्या बाइक है. 3, 2, 1. चलो. तो इसका सबसे पहले साउंड सुनते हैं. डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो ये लास्ट वेरिएंट है जो मुझे मिल रहा है. इसके बाद जो कलर है वो जिस कलर में नहीं अवेलेबल होगा वो 2-3 कलर जो नया कलर है उसमें अवेलेबल होगा. ये था लास्ट वाला मॉडल जो मुझे मिला, ये कलर था. यहाँ के रॉयल एनफील्ड स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल है, और उनमें से सबसे ज़्यादा योगदान जिनका था वो है मेरे सामने अरिंदम भैया. कुछ भी नहीं है, सब फ्रेंड. तो ये बहुत ही अच्छे हैं और इनके तरफ से बहुत सारा ऑफर्स मुझे मिला है. थैंक यू अरिंदम दा. एंड इन फ्यूचर और भी ज़्यादा बाइक्स लेना हो और अगर आप भी वेस्ट बंगाल के कहीं से भी हो तो डायरेक्ट कंट्री मोटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये कॉलोनी मोड़ बारासात में है, इलाहाबाद तला में है रॉयल एनफील्ड कंट्री मोटर्स. यहाँ पे इलाहाबाद तला मोड़ है. यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न लेके ये यहाँ का जो शोरूम है वो मिलेगा. तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका जो भी था, इनका गाड़ी डिलीवरी का प्रोसीजर, एंगेजमेंट या फिर वो सेलिब्रेशन जो भी होता है. तो ठीक है, अभी गाड़ी मिल गया, लेके चलते हैं. सो थैंक यू, फिर से मिलेंगे. और थैंक यू सो मच, सबसे अलग भल लग लो. चलो और कुछ और भी नाम बोल देता हूँ. सौरभ दा, आकाश दा एंड शुभ दा जो भी थे एंड देवोश्री, अगर इनका जो स्टाफ था उनका नाम था ये. तो ठीक है, तो चलते हैं हम बाहर, घर चलते हैं और सेलिब्रेशन तो बनता है ना. तो यहाँ से जाएंगे, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा पूजा देने. पूजा देने के बाद यहाँ पे जो इसका एसेसरीज है वो लगाऊंगा. उसके बाद यहाँ से कोई ट्रिप फिर जाएंगे. तो ठीक है, चलते हैं. ओ थैंक यू. बेटा तुम्हारा कितनी ना होना सौदर मुद्दे को ना तो सौदर मुद्दे तो बिल अपने नहीं है. क्यों कहा कुछ है नहीं है वो आपके ना भाई तो नहीं है. अरे तो की कोई नहीं है वो. ठीक है, थैंक यू. तो ये वाला केक मिल गया. गाइस एक और चीज, इनको तो तुम पहचानते ही हो इन सबको. तो थैंक्स टू देम, उन्होंने आया था ये डिलीवरी को और भी स्पेशल बनाने के लिए. तो ठीक है गाइस, चलो मैं निकलता हूँ, मिलते हैं. ओके, बाय 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 बाय, चलो मिलते हैं. तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुकी है चाबी इस बाइक का. ये है मेरा बाइक. एंड एक बात बोलता हूँ सच में, मतलब खुद के पैरों पे खड़े होने के बाद खुद के इनकम से अगर कुछ खरीदो ना, वो जो भी हो, एक मोबाइल हो या फिर एक बाइक हो, उसका जो खुशी होता है ना वो सबसे अलग होता है. तो मुझे भी वैसे ही खुशी लग रहा है अब ये चाबी लेके. मैं जब अभी बाइक में बैठूँगा, वो जब चलाऊँगा ना, वो बहुत ही अच्छा एक फीलिंग है, क्योंकि अपने दम पर मैंने ये बाइक ख़रीदा है. बहुत सालों की मेहनत थी मेरा, और ये YouTube मनी से नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है.
मैं ठीक से तभी बोल नहीं पाया। एक्चुअली ये जो बाइक ख़रीदा है मैंने, इसके पीछे जितना भी क्रेडिट्स है मेरे मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इतना बड़ा हो के आज खुद के दम पे अपना ये वाला बाइक ख़रीद पाया। एंड सबके एंड बाकी जिन्होंने भी मुझे विश किया था सबको थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। लाइफ में कुछ भी ख़रीदो बस उसके पीछे पड़ जाना कहीं से भी, मतलब टाइम थोड़ा लग सकता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा तो इट्स ओके, लेकिन उसके पीछे पड़ जाना अगर जो भी चीज़ चाहिए तो एक ना एक दिन ऑफकोर्स वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यही था ये वाला वीडियो, तो उसके बाद मिलते हैं किसी राइड पे या फिर किसी और वीडियो पे। तो थैंक यू सो मच फिर भी, एंड एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़ता रहे। एंड हाँ, बिना सब्सक्राइब किए एंड बिना लाइक किए मत जाना, बिकॉज बहुत मनोबल बढ़ता है उससे। एंड ओके, सो आई एम साइनिंग आउट, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड नाइट।